Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the equation of a wave traveling on a string is fine. So equation of the wave is given in standard form. So let's say, in which direction does the wave travel? How to check the direction of motion of the wave? You have to check coefficient of x and coefficient of time. If coefficient of x and coefficient of time have same sign, either both are positive or both are negative, in that case jo direction of motion of the wave hoga, that will be negative. If coefficient of x and coefficient of time have opposite sign, ek positive hai dusra negative hai, so us case mein jo direction of motion of wave hoga, that will be positive. So yahan pe x ka coefficient positive hai, time ka coefficient bhi positive hai, it means direction of motion of the wave will be negative, right? B check karte hain, find the wave speed, the wavelength and the frequency of the wave. So ye jo equation hame de rakha hai, ye standard form mein de rakha hai. Standard form mein jo equation hota hai, that is a sin omega t plus kx plus phi. So now ab hum ise compare karte hain. So amplitude kitna de rakha hai, 0.1 mm. जो टाइम का कोफिशिएंट है, दैट इज योर ओमेगा. सो टाइम का कोफिशिएंट दैट इज गिवन 314 पर सेकंड. जो एक्स का कोफिशिएंट है, दैट इज योर के. सो यहां पे चेक करो, एक्स का कोफिशिएंट है 31.4 पर मीटर. फाई कितना दे रखा है, 0, बिकॉज़ यहां पे फाई का कोई टर्म नहीं है, इट मींस फाई इज 0. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज. अब वेव स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेव स्पीड इज सिंपली ओमेगा बाय के, कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सो जस्ट पुट द वैल्यूज, 314 डिवाइडेड बाय 31.4, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड. वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? के का वैल्यू आपको गिवन है, सो के इज नथिंग बट 2π डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. So this value k is 31.4, that is equal to 2 into pi is 3.14 divided by lambda. So yahan se dekho, 3.14 cancel ho jayega. So what you are getting, acha ye 3.14 hai, so ye 10 times ho jayega. So lambda will be 2 by 10, that is 1/5 meter, or you can convert it to centimeter, it will be 20 centimeter, right? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे? आपको ओमेगा दे रखा है, ओमेगा का वैल्यू इज नथिंग बट 2π f, है ना, ओमेगा इज 2π फ्रीक्वेंसी. सो यहां से ओमेगा कितना है, 314, दैट इज इक्वल टू 2 into π, दैट इज 3.14 into फ्रीक्वेंसी. सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 100, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी 50. सो फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज, राइट? और क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग. सो आप देखो कि जो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग होगा वो SHM करेगा. ऑल द पार्टिकल्स विल परफॉर्म SHM इन देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन. ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे SHM करते हैं, राइट? सो जो स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग होगा वो भी SHM करेगा. नाउ SHM में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज सिंपली एम्पलीट्यूड, दैट इज गिवन 0.1 mm, राइट? यू कैन सी एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 0.1 mm. सो दैट इज योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. एंड मैक्सिमम स्पीड, SHM में मैक्सिमम स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज सिंपली एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा. सो एम्पलीट्यूड इज 0.1 into ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू चेक करो, 314, सो इट विल बी 314 पर सेकंड. सो इट विल बी 31.4 mm पर सेकंड, राइट? बिकॉज़ ये जो एम्पलीट्यूड है ये mm में दे रखा है, सो यू कैन कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर पर सेकंड, इट विल बी 3.14 सेंटीमीटर पर सेकंड. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. ओके, इसकी वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय.